नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। शहर कोतवाली इलाके के बलदेवपुरी में अवैध ऑक्सीडेशन की नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में अवैध ऑक्सीडेशन की नकली इंजेक्शन बनाने का काला कारोबार चल रहा था। यह अवैध कारोबार करीब पिछले 6 माह से संचालित किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस माफिया पर 2015 में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन माफिया फिर से यह कारोबार करने लगा। पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र में नकली ऑक्सीटेशन के इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, लेकिन फैक्ट्री की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। देर रात जब स्क्वाड टीम की अवैध फैक्ट्री की लोकेशन की जानकारी हुई तो स्क्वाड टीम ने स्थानीय पुलिस, सर्विलेंस टीम और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली में बलदेवपुरी के अंदर अवैध रूप से ऑक्सीटॉक्सिन के नकली इंजेक्शन बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें भारी मात्रा के अंदर नकली इंजेक्शन बनाने की और जो केमिकल्स थे, उपकरण थे, उनको जब्त किया गया है। साथ ही साथ उसके बाद जो रैपर्स थे जिससे वो लगा के इन्हें बेचा करते थे, वो जब्त किए गए हैं। इसके अंदर दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम अजय कुमार और मुकेश कुमार है। इनकी सप्लाई, इंजेक्शन की सप्लाई यहाँ से इरफान को इसके अतिरिक्त जो पुनाहाना हरियाणा के अंदर है वहाँ पर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में की जाती थी, और इसके अतिरिक्त इनको जो सप्लाई की जाती थी रॉ मटेरियल की, वो संजय के द्वारा की जाती थी, और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी की। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।